चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। हम लोग सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं। आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताएं, ये सारे पढ़ाई का एब्रीविएटेड वर्जन ऑलरेडी आपके पुराने सिलेबस में है था। मतलब अगर आप इंस्टीट्यूट मैट घुमा के देखेंगे पुराने सिलेबस का, तो हर एक पे ऑलरेडी डिस्कशन दिया हुआ है। और इनफैक्ट हम लोगों का जो क्लास का नोट्स है, यानी कि क्लास मैट जो एसजेसी से आपको मिला है, उसमें इफ यू रिमेम्बर स्लीपिंग कैप्सूल करके एक सेगमेंट है। अब आप उसमें भी थॉरली जाएंगे ना, तो जितनी बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं वो सब वहां पे है। तो आप बस मेरे साथ ये सारा डिटेल में पढ़ रहे हो, जस्ट बिकॉज एग्जाम सिलेबस चेंज किया है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर भी इम्फेसिस देना शुरू कर दी। थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि क्वेश्चंस में ट्विस्ट आएगा। चलिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिक पढ़ाई था पहला, कि सप्लाई चेन का 8 प्रोसेस है ग्लोबल सप्लाई चेन में, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लायर रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। सप्लायर सर्विस नहीं है, सप्लायर को क्या सर्विस दोगे, कस्टमर सर्विस। देन डिमांड मैनेजमेंट, देन ऑर्डर फुलफिलमेंट जो आप प्रोसेसिंग करोगे, जैसे अमेजन फुलफिलमेंट आप देखे थे, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। No, this is not applicable for Amazon, but it is applicable for those companies that are manufacturing the goods, product development and commercialization, and then there is returns management, reverse logistics bolte isko. Okay, देखिए 4-5 नाम कभी भी याद रहेगा, but पढ़ाई तब आपकी अच्छी हुई जब आपको 8 का 8 याद है। वो कैसे याद करोगे वो आपको सोचना है। Then there were 2 types of supply chain, push and pull, that is very easy. Push में supplier से हम लोग procure करके goods बना के warehousing करके distribution channel से customer तक पहुंचा देते, example Coca-Cola. And pull system में जब तक order नहीं आता तब तक कोई procurement नहीं होता। और मैंने बोला था पुल सिस्टम में जाने के लिए आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि काम फटाफट हो पाए। कस्टमर जब ऑर्डर करेगा उसके बाद हम लोग रिटेलर को कांटेक्ट, मतलब कस्टमर रिटेलर को कांटेक्ट करेगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को, एंड देन मैन्युफैक्चरर सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा। मतलब इट हैज टू बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, कि कस्टमर ने जैसे ही बुकिंग किया वैसे ही रिटेलर से सारा मैसेज चेन में पीछे तक चला गया। ओके, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस आर यूज्ड इन पुल मॉडल टू ब्रिंग आउट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं होगा तो ये मॉडल फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, आपका कभी कोई जान पहचान का कोई ऐसे रिश्तेदार है या कोई घर में बिजनेस है, आपने देखा जो स्नैपडील में रजिस्टर कर रखे, अपना सामान बेचते हैं वहां से एज अ सेलर? नहीं, एकदम वैसे ही सिस्टम है ये पुल सिस्टम। जैसे ही मान लीजिए स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन में कोई कस्टमर ने बुकिंग किया, तो आपके पास तुरंत आता है ना एसएमएस, आपके पास तुरंत एसएमएस आता है तो कि योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, इंस्टेंटली एक मैसेज जिससे प्रोक्योर करना है ना उसके पास जाता है इंस्टेंटली। जैसे आप लोग हमारे भी वेबसाइट पर अगर तुरंत ऑर्डर करोगे, रात को 2 बजे भी ऑर्डर करोगे, तो आपके पास कंफर्मेशन आएगा तो हमारे पास भी तो आएगा कि आपके लिए ऑर्डर बुक हुआ है। सेम वे इंस्टेंटली एक मैसेज वहां पे भी जाएगा। अभी अगर ये फुलफिलमेंट सेंटर है अमेजन वगैरह जैसा का, तो वो लोग तो रात को ही प्रोसेस कर लेते हैं, और यही अगर कोई सप्लायर से प्रोक्योर अप करके वहां से वहां डिलीवर किया जाएगा तो फिर वो अगला दिन प्रोसेस होगा। आप इंस्टेंटली अगर देखना, रात के 12-1 बजे ऑर्डर करके
आप देख रहे कि 2 बजे मैसेज आ रहा है कि इट हैज बीन प्रोसेस्ड, मतलब वो फुलफिलमेंट सेंटर में था. और अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ, अगला दिन का मैसेज आ रहा है कि इट इज नाउ बीइंग प्रोसेस, मतलब वो सप्लायर अब उठा है, ऑफिस खोला है, आके देखा है, अब वो प्रोसेस करना शुरू किया है. ठीक है, नेक्स्ट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट में आ गए हम लोग. अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में 2 पार्ट आता है, रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड द यूज ऑफ आईटी फॉर ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट. नाउ रिलेशनशिप विद सप्लायर में 2 बातें आती है कि चॉइस ऑफ सप्लायर और दूसरा कंट्रोल ओवर सप्लायर. अब चॉइस और कंट्रोल दोनों के लिए एक पॉइंट आता है कि कैसे क्या क्या चीजों पे कंट्रोल रखनी है. पहले तो आपको सोर्स समझना है कि कहाँ से आप सोर्स करोगे, मतलब सोर्स इज अबाउट लोकेटिंग. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सोर्सेज, यू आर थिंकिंग अबाउट लोकेशन ऑफ सप्लायर्स. जैसे एप्पल का सप्लाई चेन आपको दिखाया गया था ना कि दे सोर्स इट थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो लोग सिर्फ चाइना से ही सोर्स नहीं कर रहे हैं, दे आर सोर्सिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी सप्लायर्स, देन यू हैव टू सी देयर टर्म्स, कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड, देन आफ्टर दैट मेक और बाय एंड आउटसोर्सिंग ऑल्सो. यू हैव टू डिसाइड वेदर वी हैव टू मेक इट, वेदर वी हैव टू बाय इट. एंड जो भी कुछ करे उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें, उसके ऊपर ट्रैकिंग रखें, जिससे कि भविष्य में आपको लगता हो कि सप्लायर महंगा पड़ रहा है तो आप उसको बदल सके, या फिर वो प्रोडक्ट को या पार्ट को खुद से बना सके. ठीक है, यूज ऑफ आईटी के लिए एग्जांपल बेस्ट मैंने आपको वॉलमार्ट और प्रोक्टर एंड गैम्बल का दिया था कि किस तरह से ये लोग आईटी मेथड से ई प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं. भाई सारा सप्लायर के साथ इंटरकनेक्टेड एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है कि जैसे ही स्टॉक लेवल एक डिजायर्ड लेवल से कम हुआ, वैसे ही अपने आप सप्लायर ऑर्डर रेडी करके प्लेस कर देगा. करेक्ट, ये हम लोग वैसे इंटर में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ाते थे. इम्प्रेस सिस्टम आपने सुना है, कैशबुक में सुना था, क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम? कैश खत्म, मान लीजिए इम्प्रेस क्रेडिट किया हुआ 100 रुपीज का, तो अगर वीकेंड में बैलेंस 80 रुपीज है तो 20 रुपीज ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचा दिया जाएगा. आपको कोई ऐसा ऑथराइजेशन क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, इम्प्रेस क्रिएट किया हुआ है तो हर हफ्ता का मिल ही जाएगा. सेम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट भी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कॉन्फिगर कर देते हैं कि जैसे ही स्टॉक लेवल 60 से कम हुआ, वैसे ही उसको 100 बनाना है, तो डिफरेंस जितना है उतना ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. समझ गए, इम्प्रेस क्रिएट किया जा सकता है. सॉफ्टवेयर को तो बोलना पड़ेगा ना कि कितना का ऑर्डर प्लेस करो, तो सॉफ्टवेयर को कैसे मालूम पड़ेगा? क्या तो वो ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा कि इतना जैसे ही 60 से कम हो जाए 200 का ऑर्डर प्लेस कर देना, या फिर इम्प्रेस क्रिएट कर दीजिए, जैसे ही आपका स्टॉक लेवल एक लेवल से कम हुआ वैसे ही उसको 100 बना देना. ओके, सो ई सोर्सिंग और परचेजिंग में फर्क याद आ रहा है? सोर्सिंग परचेजिंग में फर्क, सोर्सिंग में वही अभी तो बताया मैंने, लोकेशन कि कौन होगा आपका सप्लायर, एंड परचेजिंग इज प्लेसिंग द ऑर्डर. ये एक्चुअल ऑर्डर आप क्वांटिटी का जब भेजते हो, दैट इज ई परचेजिंग. एंड ई सोर्सिंग इज लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग द सप्लायर. जैसे आप ऑनलाइन टेंडर्स के थ्रू अपने सप्लायर्स को इनवाइट कर सकते हो बिड करने के लिए, आइडेंटिफाइंग द सप्लायर्स. ठीक, देन इसके बाद ई पेमेंट, आप समझ ही गए होंगे ई पेमेंट तो कुछ सिखाने का है नहीं. ई पेमेंट इज लाइक कि बिना उसके मांगे इलेक्ट्रॉनिकली आप जितने बिल्स आए उसको कंसोलिडेट करके पेमेंट कर दोगे. मतलब यू हैव टू बेसिकली फ्रीज वन पेमेंट पीरियड कि जब बिल आएगा तो हम लोग बिना आपके डिमांड किए भी मंथली बिल अमाउंट, जैसे हम लोग मंथली सैलरीज पेमेंट करते हैं, मंथली इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हैं, वैसे मंथली सप्लायर बिल पेमेंट कर देंगे. ठीक है, दैट इज ई पेमेंट. देन डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ रहा है, विच इज रिलेटेड टू कस्टमर मैनेजमेंट. अपस्ट्रीम में सप्लायर से, डाउन स्ट्रीम में
कस्टमर्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से सीखना है इसको। मतलब इनफैक्ट कस्टमर्स का जो पढ़ाई है उसके ऊपर एमबीएस में एक सब्जेक्ट है, एमबीए में एक सब्जेक्ट है। वो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं एमबीए में, वो लोग इसके ऊपर अलग से स्पेशलाइजेशन करते हैं सिर्फ डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट पर। इमेजिन आप लोगों को तो एक पैरा पढ़ने मिल रहा है, देयर कैन बी अ होल एंड सोल सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन ऑन दिस। नाउ डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चार हिस्सा दिया हुआ है। पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में इन्होंने बताया है रिश्ते बनाओ, और वो छह तरह से बनाए जा सकते हैं। सिक्स मार्केट मॉडल्स आर देयर। मतलब हम लोग बोलते हैं जनरली एज अ बिजनेसमैन हमारा मार्केट जहां है वहां कस्टमर्स है, बट सिक्स मार्केट मॉडल बोलता है सिर्फ कस्टमर्स मार्केट ही आपका मार्केट नहीं है। कस्टमर मार्केट इज वन ऑफ द मार्केट वेयर यू हैव टू क्रिएट योर रेपुटेशन, वेयर यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप, दैट इज ऑब्वियसली देयर। देन देयर आर अदर मार्केट, जैसे कि रिक्रूटमेंट मार्केट। रिक्रूटमेंट मार्केट क्या हुआ सर? व्हाट इज रिक्रूटमेंट मार्केट सर? रिक्रूटमेंट मार्केट क्या हुआ? बोलिए बोलिए, गेस करिए। आप जितना कॉमन सेंस यूज करोगे उतना फायदा होगा। मतलब आपको अपना रिलेशनशिप किन के साथ बनाना है? जिनसे आप रिक्रूटमेंट लेते हो, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ, या उन वेबसाइट्स के साथ जहां से रिक्रूटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन डालते हो, या आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के मार्केट में। क्योंकि वहां पे रिलेशन खराब हुआ तो आपको एम्प्लॉय मिलेगा नहीं, तो आपका कंपनी तरक्की करेगा कैसे? देन तीसरा इन्फ्लुएंशियल मार्केट या इन्फ्लुएंस मार्केट। ये क्या हुआ? व्हाट इज इन्फ्लुएंस मार्केट? सोचो इन्फ्लुएंस मार्केट, जैसे आपकी कंपनी का रेपुटेशन किसी बाबा के नजर में कैसा है। क्योंकि वो अगर अपने प्रवचन में आपकी कंपनी का नाम बोल दिए तो बस धन्य हो गई आपकी कंपनी। उसी तरह से सरकार के नजर में, प्रेस के नजर में, मीडिया के नजर में, जिनका इन्फ्लुएंस होता है ऑन पब्लिक, तो उनके सामने आपका रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए। मतलब आपको उनसे भी रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है। मतलब आपकी कंपनी कहीं भी उनको इस तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट ना दे दे कि उनसे आपका रिश्ता खराब हो जाए। फोर्थ रेफरल मार्केट। व्हाट इज रेफरल मार्केट? ये तो इजी है सोचना। व्हाट इज रेफरल मार्केट? नहीं नहीं, नॉट सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी हुआ तो इन्फ्लुएंस। रेफरल मार्केट इज एग्जिस्टिंग कस्टमर के जो मान लीजिए की पीपल हैं, जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बनने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो आपके हैं उनके साथ आपको एक और अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, जिससे कि उनका रेफरेंस आपको मिले। ओके, देन आफ्टर दैट देयर इज सप्लायर्स मार्केट, वो तो आपको समझ में आता ही है। एंड नंबर सिक्स इज इंटरनल मार्केट। नाउ व्हाट इज इंटरनल मार्केट? डेमिंग ने क्या सिखाया था? आपके इंटरनल डिपार्टमेंट्स और एग्जिस्टिंग स्टाफ्स, उसमें भी आपको रिलेशनशिप बना के रखना है। मतलब एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि छह जनों से रिश्ता बनाना है। यू हैव टू मेक सिक्स काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। छह रिश्ता आपको बना के चलना है। रिश्ते बनाओ, बस यही बता रहे हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं इसको, या रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। किनसे किनसे रिश्ता बनाना है? जिनसे आपको लेना देना है उनसे तो बनाना ही है, बट जिनसे फ्यूचर में लेना पड़ सकता है उनसे भी रिश्ता बनाना है। जैसे कि इन्फ्लुएंस, रेफरल और रिक्रूटमेंट, इनसे फ्यूचर में लेना देना हो सकता है। इसलिए एक रिलेशनशिप बना के रखनी है कि कभी भी जरूरत पड़े तो हमें इनका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, हर चीज को मैं वापस बोलूं, दिमाग में जब सुन रहे हो तो पर्सपेक्टिव एज अ स्टूडेंट सोचोगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही सोचो कि आप ही उस एक बड़ी कंपनी को चलाना चाहते हो जिसमें
आपको समझना है कि किस तरह से हम डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट करें, तो उस कंपनी को एडवाइज किया जा रहा है, या आप एक कंसल्टेंट हो जिसको एक बड़ी कंपनी यानी क्लाइंट मिले हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि कस्टमर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो आप उन्हें समझा रहे हो कि रिलेशनशिप मार्केटिंग करिए, इस तरह के एडवर्टीजमेंट करिए, ब्रांडिंग करिए कि लोगों को ये दिखे कि आप ये जगह रिश्ते बना रहे हैं, आप उन किसी को भी डिस्टर्ब न करिए, क्योंकि हर एक जन का एक इम्पैक्ट है आपके बिजनेस में. ओके, देन सेकेंड इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में CRM भी बुलाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अब CRM पे अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं, यू नो, जब आप ERP कभी डेप्थ में सीखोगे, ERP SAP वगैरह का कोई कोर्स करोगे, तो ERP के एक वर्जन में आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM बनता है अलग से, इसको बोलते हैं CRMS, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम. सिस्टम वर्ड डाल दिया तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, मतलब जिसमें काम है ये सारा. वो सॉफ्टवेयर का सबसे पहला काम होता है एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर. समझिए, ये सब एक्चुअली एक पढ़ाई आ गई है जिसका नाम है बिग डेटा एनालिटिक्स. पहले कभी बताया होगा मैं क्लास में, बिग डेटा का नाम सुने क्या? अरे बोलिए ना, हाँ कि ना? नहीं सुने? कभी पढ़े ऐसे बिग डेटा वर्ड? सुने? नहीं सुने? गूगल में जाते हैं तो आप देखते हैं क्या, आपको जो सर्च रिजल्ट दिखाएगा वो मेरे को नहीं दिखाएगा, ये पता आपको? सर्च रिजल्ट कुछ भी आप सर्च करिए, शॉपिंग बैग्स, तो जो आपको दिखाएगा वो मेरे को नहीं दिखाएगा. आपको मालूम है ऐसा? नहीं मालूम है? फेसबुक का पेज जब आप अपना खोलते हो तो साइड में, एक साइड बार में कुछ प्रमोशंस आते हैं, जो आपको दिखाएगा वो मुझे नहीं दिखाएगा, मुझे अलग दिखाएगा, आपको अलग दिखाएगा. यूट्यूब में जाते हो तो जब पहला पेज खुलता है उसमें रेकमेंडेड वीडियोज आते हैं, वो आपको जो दिखाएगा वो मुझे नहीं दिखाएगा, सबका अलग अलग आएगा. ये कैसे हो रहा है पता है क्या? ये पीछे एक एल्गोरिदम काम कर रहा है, और एल्गोरिदम का जो बेसिक फंक्शनैलिटी है या जो उस एल्गोरिदम का जो दिमाग है, बेसिक बोल सकते हैं, जिस बेसिस पे वो काम कर रहा है, उसका नाम है बिग डेटा एनालिटिक्स. बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा है, और उसको वो एनालाइज करके एक रिजल्ट निकाल रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है कि आपको क्या पसंद हो सकता है. बिग डेटा में डेटा कहां से लिया जा रहा है? आपके जितने फुटस्टेप्स इंटरनेट में दिख रहे हैं सबको इकट्ठा किया जा रहा है. आप जब मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, आप जब ऑफिस में कंप्यूटर में यूज करते हो, आप जब किसी दोस्त का कंप्यूटर में यूज करते हो, अगर आपने अपने यूजर आईडी से साइन इन कर लिया, ठीक उसी तरह से आप जहां जहां पे इंटरनेट यूज कर रहे हो और जो जो सर्च कर रहे हो उससे आपका दिमाग वो लोग पढ़ रहे हैं. बेसिकली वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बना रखे, वो सॉफ्टवेयर को में उस डेटा को ले रहे हैं, और सॉफ्टवेयर को इतना इंटेलिजेंट बना दिया है कि जैसा आपने सर्च किया, एक चीज को कितनी बार सर्च किया, कितनी देर तक सर्च किया, उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट जान रहे हैं और वही चीज आपको दिखा रहे हैं. इट इज एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर, बिहेवियरल एनालिसिस बोलते हैं. अभी इस पढ़ाई का नाम एक और डाला गया, थीमेटिक एनालिसिस. मतलब ये मैं आपको रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर बता रहा हूं, थीमेटिक एनालिसिस. थीम को लेकर, क्या चीज का थीम? कस्टमर का ब्रेन का थीम को लेकर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि उसको चाहिए क्या. वो बोल तो नहीं रहा, जैसे नॉर्मली शोरूम में क्या होता है, एक सेल्समैन पूछ सकता है, सर क्या लगेगा, आप थोड़ा आइडिया तो दीजिए, हम लोग उसके हिसाब से आपके लिए काम करें. बट आप इंटरनेट में तो बोल नहीं रहे, आप तो फटाफट फटाफट सर्च किए जा रहे हो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उन्होंने ये एनालिसिस सिस्टम बनाया, एंड उससे वो पता लगा लेते कि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, एंड फिर अचानक से एक ऐसा सर्च दिखा देते हैं जो वाकई में आपको चाहिए था. फिर आप उसमें घुस जाते हैं और 10 में से 1 भिड़ भी जाता है, आपके लिए 10 में से 1 भिड़ जाता है, उनके लिए तो कितना ही भिड़ रहा होगा आप सोचिए,
मतलब सॉफ्टवेयर उनका सेलिंग का काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर उनका, अब समझिए गूगल क्या करता है, वो ऐसा एक सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम बना लिया जो भिड़ा देता है लोगों का दिमाग पढ़ पढ़ के। तो गूगल में जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको तो मस्त बेनिफिट है कि भाई इनका सॉफ्टवेयर ही, एल्गोरिदम ही हमारा प्रोडक्ट बेच देगा जाके। आप अमेजन में एक बैग खोज के वापस बंद कर दीजिए अमेजन का साइट, फिर आप इंटरनेट में जाइए, गूगल करिए, फेसबुक करिए, वो बैग पीछे पड़ा रहेगा आपके। मतलब कम से कम ये प्रोसेस 6-7 दिन तक तो चलेगा, तो वो और भी अच्छा अच्छा बैग्स ला ला के आपको दिखाएगा। और शायद आपको रियल में इंटरेस्ट था अगर, तो आप खरीद ही लोगे, हाँ यार वो उस समय ध्यान नहीं दिया था, वापस देखते हैं एक बार, वापस देखते हैं। और वो भी उसका टाइमिंग होता है, वो लोग कितने बजे आपको दिखाएगा। अब देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दैट। दिस स्टडी हैज बीन गेनिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू डू दिस बिकॉज द डेटा इज ह्यूज। सो वॉट ह्यूमंस आर डूइंग, दे आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम, दे आर डेवलपिंग रोबोट्स। रोबोट मीन्स वो जो आप मशीन रोबोट सोच रहे हैं वो नहीं, सॉफ्टवेयर में भी रोबोट्स होते हैं, रोबोटिक प्रोग्राम बोलते हैं उनको। सॉफ्टवेयर के रोबोट्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे वायरस भी एक तरह का रोबोट होता है, जैसे वायरस जैसे डाउनलोड कर लोगे फटफट फटफट फट एक्शन लेना शुरू कर देता है, उसी तरह से बहुत सारे जेन्युइन प्रोग्राम होते हैं, जैसे ही आप उसको किसी पर्टिकुलर चीज को मान लीजिए एक्टिव कर देते हो तो वो एक्टिव हो जाता है और बहुत सारे एक्शन लेना शुरू कर देता है। ओके तो थीमेटिक एनालिसिस इज नाउ बीइंग डन थ्रू दिस रोबोटिक प्रोग्राम, एंड ये पूरे साइंस का नाम पड़ गया बिग डेटा एनालिटिक्स, एंड इट हैज बीन हेल्पिंग दीज लार्ज स्केल ग्लोबल कंपनीज स्पेशली टू रीड द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, or else how they will get to know what is going in their customer's mind. They are not only selling their products through this analysis, they are also doing customer surveys. aaj agar aap kisi unke product se dissatisfied hai to aap kahin na kahin post kiye, ab aapke piche robot pad jayega, aapko pata bhi nahi. wo aap jahan jahan comment kar rahe ho blog mein, wahan pe sab jagah wo scanning kar raha hai कि आप क्या लिख रहे हो इस कंपनी के बारे में, और ओवरऑल एक समरी बनाकर कंपनी को दे रहा है कि आप लोगों के कस्टमर्स इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप जल्दी कोई एक्शन लीजिए। तो कंपनी इमीडिएटली कोई एडवर्टीजमेंट बनाएगा या कोई कैंपेन बनाएगा और उस चीज को डाइल्यूट करने का कोशिश करेगा। मतलब दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग द कंपनीज, एंड फॉर दिस एनालिटिक्स जॉब ऑब्वियसली वी नीड स्किल्ड पीपल। इट्स नॉट जस्ट एन इंजीनियर्स जॉब, you need MBAs also to understand how this is going to work. Nowadays CAs also are getting involved. Big data analytics is now evolving study, you can say. In fact CIMA ka syllabus abhi change hua, un log 3 saal mein syllabus change karte, jo latest syllabus unhone nikala usme ek chapter dala hai big data analytics bol ke. wo log bahut zyada aggressively syllabus ko dynamically update karte. IIT और IIM ने कोलैबोरेशन में जॉइंट MBA प्रोग्राम शुरू किया बिग डेटा एनालिटिक्स पर, जिसमें कोई भी कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। IIT और IIM ने कोलैबोरेशन में शुरू किया, क्योंकि एनालिटिक्स के लिए थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज, साइंस बुद्धि चाहिए, और दूसरा IIM यानी मैनेजमेंट बुद्धि भी चाहिए। खाली अकलौता साइंटिस्ट इंजीनियर आदमी बिग डेटा एनालिटिक्स कर नहीं सकता। ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे आजकल, तो आपको इंटरेस्ट आता है तो आप जरूर करिए बिग डेटा एनालिटिक्स पर। अगर आप बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ एक और प्रोग्राम आता है सैप का, सैप मतलब बेसिकली आप उसमें क्या सीखते हो कि ERPs का कितना वेरिएशन हो सकता है, और उसमें बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड दोज ERPs, उसके ऊपर कोर्स होता है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बो कर लेते हैं तो आप मतलब एक अलग लीग में चले जाते हैं। आपका पैकेज शुरू होता है 25 लाख से, शुरू होता है 25 लाख से। मतलब US में तो कोई भी अच्छे प्रोफाइल पे जॉब करने के लिए ये सैप वाला कोर्स इज कंपलसरी।
अगर नहीं किए तो वहां पहले करना होगा, फिर कंपनी आपको लेगा। और इंडिया में तो अभी ये सब अभी उतना प्रचलन नहीं आया है, बट धीरे धीरे ये बड़ी बड़ी कंपनियां कंपलसरी कर रही है कि सैप सीख के आइए, वरना हम लोग आपको लेगा नहीं, या फिर वो लोग खुद सिखा रहे हैं। कैलकाटा में एक दो इंस्टीट्यूट ही है जो सैप सिखाता है, 1.5-2 लाख रुपया लेता है, लेकिन वो लोग का जो सर्टिफिकेट है उसका एक वैल्यू है। उसके अलावा बिग डेटा एनालिटिक्स सब अभी कैलकाटा में कहीं प्रॉपरली होता नहीं, बॉम्बे में होता है, बैंगलोर में होता है, ऑनलाइन तो बहुत सारे होते हैं। एनीवेज मैंने आपको ऐसे ही बताया, एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर, ये ऑनलाइन मीडियम करने का जरिया है। ओके, एनालिसिस करने का एक ऑनलाइन मीडियम से जरिया है, और ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन के लिए आप सर्वेज करते हैं, कस्टमर फीडबैक्स लेते हैं, देन कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाता है। नाउ व्हाट इज कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी? हियर वी अंडरस्टैंड एक कस्टमर या एक कस्टमर ग्रुप को लिया जाएगा, उस कस्टमर ग्रुप का कितना रेवेन्यू है, कितना उनको आप डिस्काउंट देते हो, कितना उनका प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, उनसे जीपी क्या आता है। और उनके ऊपर कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं, बट आपको स्पेशल ओवरहेड्स इनकर करते रहते हैं। वो अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो वो नेट ऑफ करके आपको उस कस्टमर ग्रुप का या पर्टिकुलर कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा कि उससे कंपनी को कितना फायदा होता है। देन फ्रॉम दैट कंपनी कैन डू 80-20 एनालिसिस कि जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दे, जिस पे कम फायदा हो रहा है उसको निग्लेक्ट नहीं करें, उसको ज्यादा फायदा के लेवल पे लाएं। कैसे सबको एक ही ग्रुप में ला पाएं, जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है उससे और ज्यादा फायदा निकालें। सो दैट वे यू कैन यूज दैट एनालिसिस। ये इसके ऊपर हम लोग एबीसी चैप्टर जो पढ़े थे उसमें सम्स भी किए थे, एबीसी चैप्टर में इसी के ऊपर सम्स भी हुआ था, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक्स करते हैं लोग। अब देखिए बैंक में प्रीमियम अकाउंट होगा ना तो वो लोग प्रेफर्ड कस्टमर मार्क कर देंगे आपको, उससे भी प्रीमियम होगा तो और एक प्रेफर्ड के ऊपर भी एक उनका होता है क्लासिक कस्टमर, उसके ऊपर भी एक होता है उनका जो और भी ऊंचा लेवल का होता है, वो लोगों का एक रैंकिंग बना हुआ है हर बैंक में। और फिर जो जितना बिजनेस बैंक को दे रहा है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट्स और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिवनेस यानी कस्टमर सर्विस दिया जाता है, उसके हिसाब से बैंक उनके लिए इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, कि आपको इसका स्पेशल नीड का खास ध्यान रखना है। और फिर जो जनरल कस्टमर्स है उनके लिए जनरल सर्विसेज रखते हैं वो लोग। ओके, क्रेडिट कार्ड में देखो अलग अलग लेवल होते हैं, एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है, एक गोल्ड होता है, एक प्लेटिनम होता है, अलग अलग लेवल बना देते हैं। तो जो हाई एंड क्रेडिट कार्ड यूजर्स है मतलब उससे क्रेडिट कार्ड कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट्स भी उसी तरीके के डाल देते हैं कि आपका एक एक रिवॉर्ड पॉइंट का इतना कन्वर्जन वैल्यू है, आपको एनुअली इतने गिफ्ट्स मिलेंगे। और जो एकदम लो यूजर्स है उसको बेसिक फैसिलिटी दी जाती है। ऑल दीज दे कैन डिसाइड ओनली व्हेन दे डू दिस कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। देन दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। नो, कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू इज लाइक वन SFM कॉन्सेप्ट, वेयर व्हाट दे आर सेइंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम दैट कस्टमर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम दैट कस्टमर ओवर अ लाइफ। आपको अपना समझना पड़ेगा कि एक कस्टमर जो आपसे जुड़ता है वो कितना साल तक जुड़ा रह सकता है। जैसे SGC में आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, मान लीजिए एकदम स्टार्टिंग से, तो इंटर में जुड़ सकते हैं और फाइनल के बाद आप निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे हर स्टूडेंट का बिजनेस का एक लाइफ है कि वो इंटर में है, फाइनल में है, और ज्यादा से ज्यादा फाइनल एग्जाम का एंड तक जुड़ा रहेगा, उसके बाद तो वो अपनी जिंदगी के रास्ते खुद पकड़ लेगा। तो उसी के दौरान ही हमें उनसे जितना रेवेन्यू लेना है लेना है, उससे ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे, राइट? सो दैट इज हाउ वी डिसाइड लाइफ ऑफ आवर कस्टमर्स। दैट वे एवरी कंपनी हैज अ कैलकुलेशन, लाइक बैंक्स कैन अज्यूम लाइफ एज इनफाइनाइट बिकॉज नो बडी विल लीव द बैंक। यूजुअली दे हैव वन अकाउंट, इफ दैट इज सर्विसिंग प्रॉपरली देन दैट अकाउंट इज कैरिड
अप टू इनफाइनाइट पीरियड. जैसे मोबाइल फोन है, आप मोबाइल नंबर ले लिए तो यूजुअली यू डोंट हैव टेंडेंसी टू स्विच टू अनदर कंपनी अंटिल अनलेस यू आर नॉट गेटिंग द गुड प्लान्स एंड गुड सर्विसेज. सो उसमें लाइफ टाइम इज योर इनफाइनाइट, करेक्ट. बट हर बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता. ओके, सो यू हैव टू एस्टिमेट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हाट कैन बी द लाइफ ऑफ योर कस्टमर्स. And then the net profit has to be discounted at a discounting rate like, say, cost of capital of the company to get the customer's lifetime value. Then lifetime value, जिसमें सबसे ज़्यादा है, उसपे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. सीधी सी बात है. जैसे क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर शुरुआत में आपसे जुड़ा बिजनेस में, टूडे ही इज नॉट दैट केपेबल of giving revenue because his business is small, but that customer se milke aapko aisa laga he has very high ambition and his business is also going to fly because it's very futuristic business, aisa aapko feel hua. To us samay account profitability dekhenge to negative aa raha hai. Negative matlab kya? Zero aa raha hai, matlab not so favorable aa raha hai. But lifetime value bahut zabardast ho sakta hai, so you have to concentrate accordingly on that customer. लाइफ टाइम वैल्यू मीन्स अगर वो आज आप उसका साथ दे दोगे तो वो इतना आगे जा सकता है कि वो बाकी और कस्टमर्स को पीछे छोड़ सकता है. तो डोंट जस्ट डिसाइड ऑन अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी इज अ शॉर्ट टर्म फेनोमेनन. नाउ लाइफ टाइम वैल्यू इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. सो इफ अ कस्टमर इज हैविंग अ लार्जर लाइफ टाइम वैल्यू, टूडे इट्स अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी मे बी लो, यू शुड प्रेफर दैट कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टर्म मोटो. ओके, एंड लास्टली कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन, दिस इज ऑल रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज. कि किसको बेचना है. एक्विजिशन मतलब वाकई में सेल कर दो. सिलेक्शन मतलब आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हो. रिटेंशन मतलब उनको वापस से सेल करो. एक्सटेंशन, रिटेंशन एक जैसा ही सुनने में आता है. विल टॉक अबाउट इट. Use of IT and brand strategy is also there. So, देखिए भी सारा मैंने जो बताया वो यहाँ पे है. Sixth market model, internal market is your related to existing staff and internal departments. ठीक है. Number two, referral market is for existing customers who recommend their suppliers or to others and are referral sources such as consultancy firm that may refer work to you. Influence market is financial analysts, shareholders, business, press, government, consumer groups, etc. Recruitment markets is recruitment agencies se juda hua, universities and institute in order to have access to potential employees. Suppliers market is ki aapke saath aur bhi suppliers jude as form of some strategic alliance to gain benefits such as better quality, faster reach, original and creative products, lower levels of inventory. उनसे भी रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है. मतलब समझो, बात यह है कि जब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आपके बेटे की शादी है, तो आप सोचते हो रिश्तेदारों को ही बुलाना है. ऐसा नहीं होता है. किसको किसको बुलाना है वो बता रही है. खाली आप सोचेंगे रिश्तेदारों को बुलाना है, फैमिली मेंबर को बुलाएंगे वो जमाना गया. किसको किसको बुलाना है, जिनसे जिनसे रिश्ता बनाना है उन सबको बुलाना है. तो रिश्ता किससे बनाना है, ग्राहक से बनाना है. तो आपके जिनका कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जिसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हाई है, उनको बुलाना ही है. कुछ सप्लायर्स को बुलाने पड़ेंगे, वरना वो लोग आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं देंगे तो बुलाना ही पड़ता है. यू हैव टू कॉल योर सप्लायर्स, यू हैव टू कॉल योर कस्टमर्स. देन रिक्रूटमेंट एजेंसीज, मतलब मैंने अपने वाकई में अपनी शादी में जब गेस्ट लिस्ट बनाया था तो ये सब चीज को ध्यान में रखे बनाया था, इसलिए मेरे को और अच्छा याद आ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को बुलाना है. बट उसमें कोई लाइफ टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं था. हाँ, जो बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे तो उनको बुलाया गया था. सप्लायर्स में बुलाया गया था कि जो हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरुआत से, उनको बुलाया गया था. रिक्रूटमेंट मार्केट से जो हमारे एजेंसीज थे उनको बुलाया गया था. इन्फ्लुएंस मार्केट में मतलब मैंने तो समझ लीजिए प्रेस गवर्नमेंट को तो क्या बुलाया बेसिकली लेकिन आउटसाइड बिजनेस के कुछ लोगों को भी बुलाए थे जिनसे कुछ रिश्ता कभी ना कभी जुड़ा. रेफरल मार्केट में ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो उसके कोई भाई बंधु दोस्त हो तो उनको भी बोलते थे लेके आना, तू अकेला नहीं तो बोर हो जाएगा. ले आओ ना सर, मतलब बिल्कुल ले, कोई शर्म नहीं है.
इंटरनल मार्केट में ऑब्वियसली सारे स्टाफ वगैरह तो सब गए थे. ओके मतलब ये सब सोचने का जरिया देखिए, सब इतना पढ़ाई हो चुका है, रिसर्च हो चुका है कि लोगों को अब खोजने नहीं जाना. लोग बोलते हैं हमारा कोई गाइड नहीं, मेंटर नहीं, बट सच है कि अब जरूरत क्या है. आप ये सब रिसोर्सेज को पढ़िए तो सही, आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ ही है. नेक्स्ट, यहां पे 6 डायमेंशंस है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग का फायदा क्या है. 6 डिमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं एडवांटेजेस है ये. एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, क्या फायदा है. टू क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर्स, रिकॉग्नाइजेस द की रोल दैट कस्टमर्स हैव बोथ एज परचेजर्स एंड इन डिफाइनिंग द वैल्यू दे विश टू रिसीव. रिलेशनशिप मार्केटिंग बिजनेसेस आर विजुअलाइज टू डिजाइन एंड अलाइन प्रोसेसेस, कंटिन्यूअस कोऑपरेटिव एफर्ट. एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेस वही कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. रिलेशनशिप मार्केटिंग इवन सर्चेस फॉर चेन ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी ड्रॉन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एडवांटेजेस लिखना इज नॉट अ बिग डील, एडवांटेजेस आप कभी भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एनालिसिस ऑफ बिहेवियर मैंने आपको बताया. इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा ही नॉलेज दिया कि बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आप आज के जमाने में जानते हो या फिर आप सर्वे करते हो. व्हाट एल्स यू डू इज कस्टमर सर्वे टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग. जैसे अभी सुबह सुबह आते ही मैंने आपसे क्या पूछा, कुछ सवाल पूछे थे कि क्या बात है, आजकल हो क्या रहा है. ये क्या था, सर्वे ही तो था. एनालिटिक्स बिहेवियर समझ रहे थे कि मैटर क्या चल रहा है. करेक्ट. सो ऑल दोज इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बेटर रिलेशनशिप. ओके, देन कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर वही एग्जाम्पल मैंने बैंक और क्रेडिट कार्ड का जो दिया, उससे आपको ये पूरा ज्ञान याद रहेगा. ऊपर से एबीसी चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि इसका सम्स कैसे सॉल्व करते हैं. अब इसमें 5 स्टेप प्रोसेस है, हाउ टू डू कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. इसका 5 स्टेप है. पहले स्टेप 1 बोल रहा है एनालाइज द कस्टमर बेस एंड स्प्लिट इट इन टू सेगमेंट्स. सेगमेंट्स मतलब जैसे कोई लार्ज बायर है, कोई स्मॉल बायर है, जैसे B2B है. B2B समझते हैं, GST में ये सब भाषा बहुत यूज हो रही है ना. B2C है, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है. तो वैसे आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा. फिर कैलकुलेट द एनुअल रेवेन्यूज, कैलकुलेट देयर कॉस्ट. देखिए रेवेन्यू सेल्स निकालो, यहाँ पे ग्रुपिंग करो, फिर यहाँ पे कॉस्ट बताओ. सेल्स और कॉस्ट से फिर स्टेप 4 में आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर, मतलब प्रॉफिट निकाल के रैंक कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है. और स्टेप 5 री इंजीनियर और एलिमिनेट द अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट. मतलब हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट को छोड़ दीजिए. री इंजीनियरिंग मतलब उनसे नया तरीका से डील विल करिए जिससे उनका रेवेन्यू बढ़े, उनसे और रेवेन्यू आ पाए. इट इज ऑल करेक्टिव एक्शन यू कैन से व्हाट यू कैन टेक आफ्टर डूइंग द अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस. एंड यू सी ऑल थिंग्स आर सो ऑब्वियस, बट द थिंग इज यू हैव टू चेंज योर मेंटल फ्रेमवर्क टू रीड ऑल दीज एंड टू आंसर ऑल दीज. देन यहां पे कितना सुंदर यहां पे दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड वालों का एग्जाम्पल देखिए, कि जो कस्टमर प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, प्लेटिनम कस्टमर है, एकदम पिरामिड के ऊपर में है, तो ये हाईएस्ट प्रॉफिट है, तो उस पर आपको इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा करना चाहिए. ये हाईएस्ट प्रॉफिट जो दे रहा है उस पे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जो सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है उस पे कम इन्वेस्टमेंट होगा. नॉर्मली प्लेटिनम कस्टमर्स का रेट ऑफ प्रॉफिट हाई होता है, ध्यान रखना रेट ऑफ प्रॉफिट हाई होता है, बट वो कस्टमर्स कम होते हैं, है ना, वो कस्टमर्स ज्यादा नहीं होते, इसलिए वो पिरामिड के टॉप पे बैठे हुए, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट हाई है. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो थोड़ा कम ही रहेगा ना, क्योंकि पूरा दुनिया का जो जनता है वो तो गरीब जनता है, तो जनता ज्यादा जहां पर है वो नीचे पे ही है, बट क्रीम नहीं है वहां पे.
तो अकॉर्डिंगली आपको सबसे ज्यादा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी से आप जान पाते हो. मतलब एग्जाम्पल में बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें इन लोगों ने पिरामिड से सब चीज समझा दिया. यहाँ पे फिर एक और क्रेडिट कार्ड कंपनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है. क्रेडिट कार्ड कंपनी वुड ऑलवेज गिव बेस्ट सर्विस एज वेल फाइनेंशियल एंड अदर बेनिफिट्स टू टॉप टू कस्टमर्स, है ना. नेक्स्ट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मैंने आपको बता दिया, इट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप. इजी है. It is an essential tool used in marketing to focus on more profitable customers and stop servicing non-profitable customers. Lifetime value आपको सोचना पड़ता है. जैसे मैं पहली बार जब अपने एक सीए फर्म में गया अपना रिटर्न फाइल कराने, तो फर्म का तामझाम देख के तो घबरा गया कि यार यहां तो अपना रिटर्न लगेगा नहीं. बट हिम्मत करके चेंबर में बात करने घुसे तो उन्होंने एक ही बात कही, आज मेरे को तेरे से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि मैं ले कैसे सकता हूं, मैं भी तो कुछ एथिक्स फॉलो करता हूं, पहले तू तो कमा. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सतीश भाई कि जिस दिन कमाने लग गया उस दिन टाटा बाय बाय बोल के निकल लिया. मैं तेरे लिए लाइफ टाइम प्रोजेक्शन करूंगा, तब मैं तेरे साथ जुड़ूंगा. मतलब बात तो सही है. तो कई बार ऐसा आया सिनेरियो कि लगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन ऐसे नहीं होता है. जब आपका साथ किसी ने, क्या होता है ना, जब आप कुछ नहीं होते तो बहुत कम लोग हाथ देते हैं, आ जाओ साथ में. और जब आप कहीं पहुंचते हो तो बहुत लोग आते हैं अलग अलग स्कीम लेके. तो उस समय आपको जज करना होता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो. तो वही एक क्लैरिटी चाहिए होता है कि सीएलवी ये सब क्लैरिटी देता है कि आप एज अ कस्टमर भी वो सीएलवी कॉन्सेप्ट को मानते हो क्या, कि उसने आपका सीएलवी देखा तो फिर उन्होंने आपके साथ शुरू से जुड़ने का प्रोग्राम बनाया. करेक्ट. फिर आपका जब वाकई में फ्यूचर कैश फ्लोज हाई होने लगा, उस समय आप बोलते हो हम तो जा रहे कहीं और, ऐसे नहीं होना चाहिए. आपको एक लाइफ टाइम, मतलब हम ये नहीं बोल रहे लाइफ इज ऑलवेज इनफाइनाइट. लाइफ टाइम माने कुछ समय तक तो आपको साथ निभाना ही होगा. और वो समय क्या होगा, वो आपको म्यूचुअली डिसाइड करना होगा कि हम लोग 10 साल तक आंख बंद करके साथ में, 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो रिस्क हो गया, थोड़ा रिस्क लेते हैं. और 10 साल में अगर मैं बहुत कुछ भी हो गया तो भी मैं आपके साथ ही, उसके बाद 11वां साल रिव्यू करेंगे. ऐसे एक लाइफ टाइम कैलकुलेशन किया जाता है. ठीक है. देन कस्टमर सिलेक्शन में देखिए, ये सब एमबीए की दुनिया में बहुत सारा शॉर्टकट वर्ड यूज करते हैं लोग, एब्रीविएशन टीजी. टीजी क्या होता है? टारगेट ग्रुप. सुने गए ये? हम ही बताए थे क्या? मेरे साथ तो बहुत, मैं पोपट बनता हूं ना लोगों के सामने, तो आप लोगों को नहीं बनने देता. बस मतलब ऐसे हुआ कि एक बार कोई मार्केटिंग वाला से ही बात हो रहा था, वो आके पहला सवाल ही पूछा, व्हाट इज योर टीजी? व्हाट इज योर टीजी? टीजी क्या होता है यार, मैंने तो टीजी नहीं पहन. टीजी क्या होता है? अब पूछा भी नहीं जा रहा है. देखिए आप लोग अभी कुछ है नहीं ना, तो ज्यादा कुछ ईगो पे लगता नहीं आदमी का. और हम लोग तो इतना डिग्री लेके एक पोजिशन पे बैठे हुए, और आके कोई स्टाफ जैसा आदमी, एग्जीक्यूटिव जैसा आदमी आके पूछता व्हाट इज योर टीजी? टीजी मेरे पास तो टीजी है नहीं यार. तो टीजी क्या बताए कैसे? तो तुरंत आजकल तो स्टाइल क्या है ना, मोबाइल निकालते है साइड में, वो सोच रहा है कि कोई फोन चेक करे, अपने गूगल मार के देख रहे टीजी क्या होता है. तो फिर वही है, संभाल लिया थे उस समय. तो टीजी टारगेट ग्रुप. ठीक है. हु इज योर टारगेट ग्रुप? टारगेट ऑडियंस आपका क्या है? हु आर वी टारगेटिंग? व्हाट इज देयर वैल्यू? हाउ डू वी रीच देम? उनके पास पहुंचा कैसे जा सकता है? हु आर वी टारगेटिंग? जैसे मैं टारगेट करता हूं एज ग्रुप 18 to 35, ये मेरा टीजी. एज ग्रुप 18 to 35. सर 35 का क्या दरकार है? इन्फ्लुएंशियल होते ना,
दीदी भैया इन्फ्लुएंस करते हैं जूनियर्स को, नहीं समझे? 18 से नीचे में, 18 से नीचे का जो ग्रुप है वो हमारे काम का नहीं। तो मेरा एज ग्रुप का टीजी रहता है एसजीएस इंस्टीट्यूट के लिए 18 to 35। नहीं समझे? 18 to 35। फाइनल में तो मिल भी जाते स्टूडेंट्स भी, क्या बात करते हैं। तो एनीवेज ऑब्जेक्टिव रहता है 18 to 35 को टारगेट करो। नाउ व्हाट इज देयर वैल्यू, दैट वैल्यू कैलकुलेशन प्रैक्टिकली वी डोंट डू, दैट इज रिक्वायर्ड एट वेरी हाई लेवल, उतना टाइम नहीं होता अपने पास। बट वी अंडरस्टैंड कि उन्हीं से ही जो रेवेन्यू आना आना है। हाउ डू वी रीच देम? तो रीच करने के मीडियम्स होते हैं, कैसे उन तक पहुंचेंगे। मैंने अपने जब यहां के लिए कैंपेनिंग सजाया था तो पूरा एक्सेल कॉलम में ए से लेके समझिए शुरू करते करते जेड तक पहुंच गए थे। हाउ डू वी रीच देम, व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स? तो डिफरेंट चैनल सोचिए, केस स्टडी सोचिए ना आप, कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, बोलिए। हाउ डू वी रीच देम? नंबर वन, पैम्पलेट बांट के। इन पैम्पलेट कहां बटेगा, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। तो एक हेडिंग डाला पैम्पलेट्स, अब पैम्पलेट्स में कहां कहां बटेगा, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन सेंटर्स, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा ना। और कहां बटेगा, प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स जिसमें हजार हजार दो दो हजार फैमिलीज हैं, उधर बट सकता है। और कहां बटेगा, खत्म हो गया लिस्ट, मतलब हाउ डू वी रीच देम। सेकेंड लेवल, होर्डिंग्स, वेयर होर्डिंग कैन बी प्लेस्ड। थर्ड लेवल, न्यूज़पेपर इंसर्शंस। न्यूज़पेपर इंसर्शंस पैम्पलेट्स में होगा या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जाएगा। रेडियो, ओके, देन डिस्प्ले साइनेज बिहाइंड बसेस एंड ऑटोस। हाउ डू वी रीच देम? डिस्प्ले साइनेजेस बिहाइंड ऑटोज एंड बसेस, बहुत सारे लोगों कंपनियों का होता है, आप देखते हैं, करेक्ट। और क्या हो सकता है, लैम्प पोस्ट, कियोस्क, बोर्ड, हाउ डू वी रीच देम? फिर बल्क एसएमएस ऑन एक्वायर्ड डेटाबेस एंड ऑन आवर ओन डेटाबेस। दो तरह से डेटाबेस आता है, वी बाय डेटाबेस, एक्वायर डेटाबेस एंड वी हैव आवर ओन डेटाबेस। ईमेल, सोशल कैंपेनिंग, सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में गूगल के थ्रू, कि गूगल में कोई सर्च मारेगा सीए क्लासेस तो उसको हमारा एड्रेस दिखेगा। वेबसाइट्स, फेसबुक, करेक्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड यू नो व्हाट, सारे मेथड्स टेस्ट किए और सबसे ज्यादा इफेक्टिव खाली दो ही रहा, फेसबुक इंस्टाग्राम। मतलब फेसबुक का इंस्टाग्राम है बेसिकली, तो फेसबुक है तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक है, एंड लास्टली यूट्यूब, बाकी सब फेल हो गए। इससे बढ़िया वे नहीं है टीजी तक पहुंचने का, क्योंकि जो स्मार्टफोन का दुनिया है ना, लोग चल कैसे रहे रास्ते में, अरे इतना बड़ा होर्डिंग लगा है दिखता ही नहीं कोई, कियोस्क लगा उसमें क्या लगा हुआ, कोई अचानक से कोई मतलब ध्यान पड़ गया तो पड़ गया, मतलब नजर ही नहीं पड़ती। तो वो सब किसके लिए हो गया है, वो और भी आम जनता के लिए हो गया है, और भी आम जनता के लिए हो गया है, जिनका मतलब टारगेट ग्रुप में ना 18 to 70 आ रहा है, उनके लिए वो सब हो गया। और हम लोगों का तो स्पेसिफिक क्राउड है जो कॉलेज गोइंग है या जो जस्ट अपने वर्किंग लाइफ को स्टार्ट किया है, तो वो सारे लोग इतने एजुकेटेड हैं कि ये सब मोबाइल में ही घुसे हुए रहते हैं। भाई कहीं पे भी है तो मोबाइल में है, तो भाई ठीक है हम मोबाइल में आते हैं। तो दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ डू वी रीच देम, वेयर डू वी रीच देम। देन एक्विजिशन इज मेकिंग द सेल, इट इज विद इन न्यू कस्टमर्स, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स, एक्विजिशन इज यू आर एक्चुअली मेकिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ योर सेल, ओके। एंड एक्विजिशन इज ऑल्सो अबाउट एग्जीक्यूटिंग द सेल, क्या भाई उनको फोन करके या किसी तरह से मेल में रिप्लाई करके या फिर उनको सेंटर में बुला के एनरोलमेंट कराओ। एक्विजिशन मीन्स एक्वायरिंग एंड मेकिंग द सेल। रिटेंशन इज कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स,
And extension is जैसे ये हमारे लिए लागू नहीं होता, बट एक्सटेंशन इज जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत होता है. ये लोग तीन तरह से एक्सटेंशन करते हैं, एक रीसेल, एक क्रॉस सेल, एक अपसेल. रीसेल मतलब उसी प्रोडक्ट को दोबारा, सर आपने पहला लिया था कैसा लगा, अच्छा लगा तो दूसरा वाला और लेना चाहेंगे, दैट इज रीसेल. देन क्रॉस सेल इज उसी कस्टमर को कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचना, आपकी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट. एंड अपसेल इज आपने पहला प्रोडक्ट बेचा, वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उस कस्टमर को बेचा लिया तो सही बट आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो आपने एक दूसरा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, दैट इज अपसेल. जैसे एक वेबसाइट कंपनी है, वो बोले कि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, कैसे आप लोग रेट फिक्स करते हो, लाइक स्टैंडर्ड रेट है हम लोग का $300. $300 मतलब कितना रुपया हो गया, 21,000 रुपया हो गया अप्रॉक्स. लाइक इतना हमारा स्टैंडर्ड रेट है, उतना हम लोग बेसिक वेबसाइट बनाने का लेते हैं. मतलब कोई अगर 21,000 नहीं दे रहा है तो फिर जो दे दे, जो दे दे मतलब बस जो दे दे, और फिर बार्गेन होगा, 250 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 150 भी आ सकता है. अरे तो लॉस हो जाएगा तुम्हें, 21,000 का काम तुम अगर 10,000 में करोगे तो अरे कुछ तो कॉस्टिंग होगा. हाँ कॉस्टिंग है, लेकिन हम लोग जो दे दे वो कर देते फिर, तो फिर कमाते कैसे हो, बोले फिर अपसेल करते. अपसेल मतलब फिर उनको बोलते हैं सर SEO करा लीजिए. SEO क्या होता है? SEO किताब का दुनिया बहुत रेस्ट्रिक्टेड है आप लोगों का. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, ये सब वेबसाइट की दुनिया का भाषा है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि एक तो आप जो सर्च करते हो वर्ड कीवर्ड से, CA फाइनल क्लासेस इन कोलकाता फॉर एग्जांपल, तो आपने तो SJC का नाम नहीं देखा. CA फाइनल क्लासेस इन कोलकाता सर्च किया गया, उसमें SJC का नाम कैसे आएगा, उसमें सर्च रिजल्ट में सबसे पहले SJC कैसे आएगा? वो कैसे होता है कि हम लोग कुछ तरीके से, प्रोग्रामिंग के तरीके से, उस रोबोट को कंफ्यूज करते हैं जो सर्च करके दिखाता है, कि वो रोबोट सबसे पहले हमारा ही नाम दिखाएगा. रोबोट जो दिखाता है ना, गूगल का जो एल्गोरिदम है, वो रोबोटिक एल्गोरिदम है, मतलब वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है. आप कुछ सर्च कर रहे तो कोई पीछे बैठ के दिखा नहीं रहा है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? उसमें एक उनका रोबोटिक प्रोग्राम है. वैसे गूगल का रोबोट का नाम है स्पाइडर. गूगल का रोबोट का नाम है स्पाइडर, तो स्पाइडर दिखा रहा है लाके, समझ में आया? अब उसका भी तो एक बुद्धि है ना, उसी से वो प्रोग्रामिंग किया गया. तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसे कंफ्यूज कर देते हो. कैसे? सोचिए, उस स्पाइडर को ये बताया गया है CA फाइनल क्लासेस इन कोलकाता होने से तुम सबसे ज्यादा जो पास्ट में सर्च हुए हैं, मतलब जैसे आप मान लीजिए CA फाइनल क्लासेस इन कोलकाता गूगल में मारे, ठीक, तो आपको बहुत सारा लिस्ट मिला, बट आप किसी लिंक में क्लिक नहीं किए, आप एक ही लिंक में क्लिक किए, वो था sjc.co.in, और वो फर्स्ट पेज में नहीं आया था, सेकंड पेज में नहीं आया था, थर्ड पेज में नहीं आया था, फोर्थ पेज में जाके आया, तो आप खोज के वहां तक पहुंचे और फिर वहां पे 15 मिनट बिताए, तो स्पाइडर उसको लॉक कर लेता है. फिर कोई और CA फाइनल क्लासेस इन कोलकाता सर्च किया था, समझ गए, तो उसको उस लिस्ट में मिला नहीं, वो सेकंड लिस्ट गया नहीं, थर्ड लिस्ट गया नहीं, उसके बाद उसने sjc.co.in सर्च किया और फिर उसमें 15 मिनट बिताए, स्पाइडर उसको भी लॉक कर लेता है. CA फाइनल क्लासेस इन कोलकाता के बाद क्या बिहेवियर हुआ था? उसके बाद जब थर्ड टाइम को CA फाइनल क्लासेस सर्च कर रहा है, तो स्पाइडर को ऐसा महसूस हुआ कि SJC ही रेलिवेंट सर्च है इसका, तो वो अब चौथा पेज से उसको दूसरा पेज में लाएगा कि ये आपको चाहिए क्या. फिर मान लीजिए किसी ने उसको दूसरा पेज से खोज के क्लिक कर दिया, समझिएगा, अब स्पाइडर को ये लगने लगा यही रेलिवेंट सर्च है इसका, तब उसको वो ऊपर दिखाने लगेगा. एंड दिस वे स्पाइडर वर्क्स, दिस वे रोबोटिक प्रोग्रामिंग इज वर्किंग. अब ये जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाइडर को कंफ्यूज करते हैं. उनके पास एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जाता है
जिससे कि सीए फाइनल क्लासेस इन कोलकाता अगर उस एल्गोरिदम में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो एल्गोरिदम 2000 बार दिन में एसजीसी ही खोज के निकालेगा ऑटोमेटिक, समझे? वो लोग ऐसा एल्गोरिदम बनाते कीवर्ड लेके, मतलब समझो कि कोई आदमी सर्च कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर से सर्च करवाते और वो बार बार एसजीसी खोज खोज के पिकअप करवाते, तो स्पाइडर को कंफ्यूज कर देते गूगल का। तो गूगल का स्पाइडर के पास इतना डेटा आ गया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि sgc.co.in ही सच्चा है, इसी पर्टिकुलर नाम से यही दिखाना चाहिए। तो अब आप जो भी सर्च कहीं पे भी करेगा सीए फाइनल क्लासेस बोल के, तो उसको यही नाम पहले दिखाएगा। इसी को बोलते सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कीवर्ड में मैंने क्या डाला, सीए फाइनल क्लासेस इन कोलकाता, 1 2 3 4 5, एक एक वर्ड का प्राइस लगता है। सीए फाइनल को मान लो वो एक वर्ड भी मान लेते हैं, तो सीए फाइनल क्लासेस कोलकाता, तीन वर्ड हो गए ना, 1 1 लाख रुपए एक एक वर्ड का ले लेगा। मतलब दैट इज द कॉस्ट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज दे हैव टू डेवलप अ प्रोग्राम एंड द प्रोसेस टेक्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स टाइम, बिकॉज एक साथ करेंगे ना तो गूगल समझ जाता है कोई वायरस है। स्पाइडर को कंफ्यूज करना है, स्पाइडर बहुत इंटेलिजेंट है उनका, जब एक ही दिन में सारा करने कोई लगेगा तो स्पाइडर उसको ब्लॉक कर देगा, उसका डेटा लेगा नहीं, तो इसको विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स एग्जीक्यूट किया जाता है। सो इट मे कॉस्ट इन लैक्स। तो एसईओ सबको चाहिए ही होता है, एसईओ बिना आपका वेबसाइट में क्राउड आएगा कैसे, आप कितना चला चला के लोगों को बोलेंगे। तो एसईओ इज वन एक्सपेंसिव फेनोमेनन, जो वेबसाइट सस्ता में बनवा दो फिर उसको एसईओ करवा के दो। अब एसईओ में सबने अपना अपना तिगड़म लगाया हुआ है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई और भी तरीका होता है बहुत सारा, वो सब तरीके से करते हैं। मैं ये एसईओ में गया ही नहीं, मैं तो इससे अच्छा क्या करता हूँ, गूगल को एड में पैसा दे देता हूँ। गूगल के पास एक स्पाइडर को कंफ्यूज करके हम अपना नाम ऊपर ले जाएं, और दूसरा है कि हम गूगल को एड का पैसा दे दें, वो महीने का 2000 5000 होगा, तो जैसे जैसे ही कोई सर्च करेगा गूगल एड मेरा ही नाम पहले दिखाएगा, जाइए, उसको पैसे चाहिए। तो गूगल बोल रहा है आप मेरा स्पाइडर को कंफ्यूज मत करो, मेरे को डायरेक्ट पैसे दे दो, आप क्यों ये थर्ड पार्टी को पैसे दे के मेरा स्पाइडर को कंफ्यूज करा रहे हो, मैं आपका नाम ऊपर दिखा देता हूं ना, वो भी सही है। एनीवेज, यूज ऑफ आईटी इन डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डाउनस्ट्रीम में आईटी का क्या यूज हो सकता है, ई कॉमर्स इज द बेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे सप्लायर में तो क्या था, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट, और कस्टमर्स में क्या हो सकता है, इट इज लाइक ई कॉमर्स। सबसे सिंपल है सोचना ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब आप उनको अपना कैटलॉग्स ऑनलाइन भेज दीजिए, अपना डिस्प्लेज ऑनलाइन रख दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग का ऑप्शन दीजिए। दैट इज ओनली यू कैन से डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट थ्रू यूज ऑफ आईटी। यूज ऑफ आईटी रिजल्ट्स इन क्विक एक्शन, रिडक्शन इन एसोसिएटेड कॉस्ट एंड सेविंग इन टाइम। लास्टली इट इज ब्रांड स्ट्रेटेजी। ब्रांड स्ट्रेटेजी इज क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी। ब्रांड इज बेसिकली क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी। ब्रांड इज नथिंग बट आइडेंटिटी, पहचान। जैसे देखिए कंपनियां क्या होती है, आर्टिफिशियल एंटिटीज होती है। Nobody knows the company when it is very large. We have to identify a brand. जैसे बड़ी कंपनी, आप जैगुअर, जैगुअर का ओनर को तो देखे नहीं आप कभी, हालांकि वो टाटा ग्रुप से ओन होता है, बट जैगुअर किसने बनाया नहीं बनाया पता नहीं, बट वो जैगुअर का जो लोगो है आपने देखा होगा, वो जिसमें जैगुअर एनिमल का ही बनाया रखा है उन्होंने, उससे जैगुअर का एक आइडेंटिटी है। जैसे मर्सिडीज किसका आपने जानते तो है नहीं, बट वो जो वाई सिंबल है उसका, उससे उसका एक आइडेंटिटी है। तो ब्रांडिंग इज सपोज टू अपील टू द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स दैट दिस आर द पीपल बिहाइंड इट, दे आर दिस इज द कंपनी दैट दे आर टॉकिंग टू, दैट दे आर वर्किंग विथ। ओके, ब्रांड का ऑब्जेक्टिव होता है पहचान बनाना, समझ गए? ब्रांड का ऑब्जेक्टिव होता है पहचान बनाना। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंट डिफरेंस इन इट्स अपील टू कस्टमर्स। ठीक है,
ब्रांडिंग कैन बी यूसेज ऑफ लोगो और स्पेसिफिक कलर और एनी अदर मीन्स विच मेक्स द प्रोडक्ट और सर्विस डिस्टिंक्टिवली विजिबल अमंग अदर्स. समझ में आ रहा ही होगा, जैसे मैं देख ही रहे चारों तरफ. ब्रांडिंग इज बेसिकली क्रिएटिंग द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में आपको हर चीज एक जैसा करना होता है. जैसे आप कभी वोडाफोन का देखना, हर स्टोर एक जैसा, डोमिनोज देखो हर स्टोर एक जैसा होता है, बड़ा हो छोटा हो बट उसी कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है ना. जहां पे भी जाएंगे एक जैसा ही दिखना चाहिए, दैट इज ओनली ब्रांडिंग. सो दैट जब आप किसी भी जगह डोमिनोज में घुस जाते हैं तो आपको लगता है हाँ सही जगह ही आया, ये ऐसा ही होता है, डाउट नहीं होता है. ब्रांडिंग डजंट क्रिएट क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, देन मोर की इंफॉर्मेशन ऑन की प्रोसेसेस बता रहे हैं यहाँ पे. की बिजनेस प्रोसेस में एक जैसे हम लोग इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऐसा आपने सुना होगा ना. एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या करेगा, प्रोक्योर करेगा, फिर मैन्युफैक्चर करेगा और आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट, तो तीन प्रोसेस के बारे में यहां पे नाम दिया हुआ है. एक ये हमारा क्या था, उस सीक्वेंस में भी था, लिस्ट में भी था. देखिए की प्रोसेसेस इन सप्लाई चेन, ये 4E था. ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में तीन बात बताई गई है. पहली बात यहां पे बता रहे हैं लोग कि आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स विद सप्लायर्स को सोचिए. दूसरा बात बता रहे हैं लोग ईडीआई का सहारा लीजिए. तीसरा बात बता रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेट करके सारा काम तो निकलवाइए, रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद सप्लायर्स ऑन एवरी मैटर्स. तीन बात आ रही है. प्रोक्योरमेंट में आपको अपने कंपनी के तरह से सोच के पहले चलना है कि आप सप्लायर से क्या क्या चाहते हो. स्ट्रेटेजिक प्लान विद सप्लायर्स, यू कैन इन्वॉल्व देम टू एडवाइज, यू कैन मेक योर ओन प्लान, इट इज योर चॉइस. देन ईडीआई से सारा अगर कम्युनिकेशन हो तो फास्ट हो जाते हो आप, आपका वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में टाइम नहीं लगता. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद सप्लायर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि सो दैट द वर्क इज सीमलेसली कंटिन्यूड विद देम. देन नंबर बी इज मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट प्रोसेस मीन्स जिसमें आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करोगे, उसमें एक बेसिक कंसर्न बोला है आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए इन ऑर्डर टू रेस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस. बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप गायब हो जाओगे. एग्जाम्पल हिंदुस्तान मोटर. हिंदुस्तान मोटर ने अपने एम्बेसडर कार का कोई वेरिएशन निकाला ही नहीं. देर वॉज नो फ्लेक्सिबिलिटी, दे डिड नॉट केटर टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एनवायरमेंट. सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बंद हो गया. देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन, ये सेकेंड फीचर है इसका, जिसमें आपको कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग सप्लायर के साथ इंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए. एंड इसी को वापस डिस्क्राइब किया गया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमर्शलाइजेशन को लेकर ही, कि कैसे होता है क्लोजली कोऑर्डिनेट विद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सो दैट आप कस्टमर नीड को पहचान पाए, कस्टमर नीड के बाद उसका प्रोक्योरमेंट कर पाए, प्रोक्योर और फिर टेक्नोलॉजी यूज करके सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करके एक्चुअली वो प्रोडक्ट बनाए. प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट इनटू द बेस्ट सप्लाई चेन फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट्स. एंड लास्टली द थर्ड इज, नंबर सी इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आपको इंश्योर करना होगा कि आप इतना जो मार्केटिंग करके डिमांड जनरेट करोगे तो नियरेस्ट शॉप तक वो पहले ही पहुंच जाना चाहिए, है ना. नियरेस्ट शॉप तक वो पहले ही पहुंच जाना चाहिए. अभी एक नया निकला पता है, विक्स बेबी रब. वेपोर रब नहीं, बेबी रब. जैसे विक्स के लिए, जैसे घर में बेटा छोटा ही है तो घर में क्या होता है, सर्दी खांसी होती है ना, तो पहले घर का उपचार करना है. तो
विक्स सबसे पहले लगाने का सोचते हैं, बट बोलते हैं 4 साल के पहले विक्स नहीं लगाना चाहिए। छोटा बच्चा लोग को विक्स नहीं लगाया जाता क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसके ब्रीदिंग को चोक कर सकता है। ऐसे केसेस भी बहुत सारे सुनने में आए हुए हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली लेस पावर का विक्स चाहिए था, जो हम लोग शुरू से ही बोलते थे घर में कि विक्स वालों ने अभी तक ये सोचा क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो जॉनसन एंड जॉनसन का आता होगा विक्स बेबी रब, ऐसा कुछ बेबी वाला कुछ आता ही होगा, बट नहीं आता था। अभी कुछ दिन पहले इसका प्रमोशन देगा विक्स बेबी रब। अब देखिए कंपनियां क्या करती है, कस्टमर नीड आइडेंटिफाई कर ही रही होती है। आज हमारा जरूरत है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोगों का जरूरत हुआ ही होगा, कंपनी पढ़ी उसको, उसके बाद उसको प्रोक्योर करके वाकई में प्रोडक्ट डेवलप करके उसको कमर्शलाइज कर दिया, मतलब उसको बेचने के लिए उतार दिया, और फिर उसका प्रमोशन कैंपेनिंग शुरू, एडवर्टीजमेंट वगैरह बनवाना कब बोल दिया होगा, एडवर्टीजमेंट बनने में भी तो टाइम लगता है। फिर उसका टेलीकास्टिंग शुरू हो चुका है, और जैसे ही टेलीकास्ट होगा ना इंस्टेंटली लोग खरीदने भागेंगे, अगला दिन ही पूछेंगे नियरेस्ट शॉप में बेबी रब आया क्या, और उस समय आप अगर बोलोगे नहीं आया है, वो नियरेस्ट रिटेलर बोलेगा नहीं आया है, तो एडवर्टीजमेंट वेस्ट हो गया। एडवर्टीजमेंट उनका जो होता है वो करोड़ों का होता है। तो आपको बिफोर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, सोचिए सप्लाई चेन में उसको पहुंचा देना पड़ता है नियरेस्ट रिटेलर तक, उसके बाद प्रचार करिए। मतलब द फर्स्ट थिंग इज यू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट रीच टू द रिटेलर्स, फिर उनको बोल के रखना है कि देखो इतना तारीख को आप इसको डिस्प्ले में लगाओगे, उसके पहले नहीं लगाओगे, कमिंग सून का भले ही लगा दो लेकिन इतना तारीख से आप बेचोगे, उनको बोल के रखते हैं। फिर प्रचार हो रहा होता है इधर, तो अचानक से अगला दिन से ग्राहक आना शुरू। सोचिए कितना इन लोग रिस्पॉन्सिव होता है अपना कस्टमर के प्रति। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑल अबाउट। Availability of the product or service is a vital part of each channel participant's marketing effort. ठीक है, अब Apple इतना बड़ा launching program करता है अपना, तो लोग wait करते हैं उसका launch को watch करने के लिए। YouTube में coming soon दिखा देता है, live streaming होगा, अब तो ये सब फड़का हो गया, लोग सारा काम छोड़ के उसका लॉन्च का वीडियोस देख रहे होते, तो ऑब्वियसली मन बना ही लिया अभी दे लॉन्च देखते देखते अब तो लेना है। वो रात में सारा वीडियो देखा, सुबह ही फोन करेगा अपने नियरेस्ट रिटेलर को, तेरे पास आया क्या, एप्पल का प्रोडक्ट यूजुअली इंडिया में लास्ट में ही आता है, जो बच जाता है वो लोग इंडिया में भेजते हैं, थोड़ा सा यूएस का प्रायोरिटी उनका ज्यादा रहता है। तो मतलब नहीं आया अभी, अब ये अगर आने में 15 दिन डिले हो जाए, 20 दिन डिले हो जाए, तो ऑब्वियसली जो डिमांड इंस्टिगेट हुआ इतना बड़ा कैंपेनिंग से वो सब खत्म, फिर लोग ठंडे पड़ गए, तो 10 में से अब शायद 2 ही लोग लेंगे, 3 ही लोग लेंगे, और वही सुबह सुबह ही बोला जाए हाँ आया हुआ है, बोलो तो भेजते हैं, बोलो तो ऑर्डर बुक लेना शुरू कर दिए, एक हफ्ता में डिलीवरी है, तो उसका डिमांड का जनरेट किया हुआ का फायदा मिलने लगता है, कमर्शलाइजेशन होने लगता है। कमर्शलाइजेशन इज मेकिंग श्योर दैट द प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर सेल, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सप्लाई चेन। ठीक है, देन सर्विस लेवल अग्रीमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन आई एक्सेप्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर, इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी कंपनियों में तो ये सब बनाना ही पड़ता है, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट वो लोग अलाउ नहीं करेंगे बेचना, क्योंकि कभी क्या डिस्प्यूट आ जाए मालूम नहीं, समझ गए क्या। बड़ी कंपनियों में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे आप मैगी अपने खरीदते हैं तो देयर इज नॉट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको उससे ज्यादा क्लेम नहीं देंगे, आप अनलिमिटेड क्लेम नहीं मांग सकते उनसे, समझ गए। मैगी में अपने कोई दवाई खरीदे, क्रोसिन खरीद रहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे क्या, नहीं कर रहे, बट स्टिल वी हैव एन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने इन जनरल पब्लिक के लिए बना रखा है,
जो उनके वेबसाइट पर शायद मिले, या फिर जो किस उन्होंने कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जमा कर रखा है कि हम लोग इतना क्लेम पब्लिक का एक्सेप्ट करेंगे। इससे घर में एलपीजी आता, आपको पता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फट गया तो, सिलेंडर बस्ट हो गया तो नहीं है। बट देर इज अ हिडन कॉन्ट्रैक्ट विच एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव डन विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि इफ इन केस एनी डैमेजेस ऑकर बिकॉज ऑफ आर प्रोडक्ट वी विल पे टू वन हाउस होल्ड अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 40 लाख रुपीज। लोगों को पता नहीं होता, क्लेम नहीं करते तो नहीं करते, जिनको पता होता वो क्लेम करते तो 40 लाख तक मिल सकता है। समझ गए? वही है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। और ये ऑनलाइन की दुनिया में तो आजकल कंपलसरी हो गया है कि वेबसाइट पे जैसे पेमेंट करते हो ना आप लोग भी कहीं पे भी, तो आप देखना आपको साइन अप करने के बाद एक चेकबॉक्स अग्री कराया ही जाता है, आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन पेज नहीं होता ना, तो ऑनलाइन पेमेंट वाले इंटीग्रेट नहीं करते, वो बोलते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन पेज का लिंक भेजिए और वो कहाँ पे है वो दिखाइए। वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप पेमेंट लेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो हम लोग लिख देते हैं दैट इज ओनली द सर्विस लेवल अग्रीमेंट। ठीक है, इसको भी बहुत समझदारी से बनवाया जाता है, इसको बहुत समझदारी से बनवाया जाता है। एक ऐसे इसके ऊपर एग्जाम्पल था, जैसे एक बंदे ने क्या किया, अपने नाम पे एक वेबसाइट का डोमेन बनवाया। ठीक, जैसे मान लीजिए sjc.co.in एक वेबसाइट डोमेन बना। अब उसने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग, जब ये डोमेन बनाया तो उसने नोटिस किया कि किसी और ने भी वही डोमेन सिमिलर बना लिया, जैसे sjc.com। तो ऑब्वियसली क्राउड कंफ्यूज होगा, और दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, तो .co.in वाले .com में जा सकते हैं। तो इसके लिए अब करना क्या होगा, sjc.com पे केस करना होगा कि तुम ये डोमेन नहीं ले सकते, इसमें मेरा हक है, डोमेन नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, जैसे कंपनी नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए ना, वैसे ही रूल्स है। तो वो केस कर सकता है, केस करने के लिए अग्रीमेंट बनाओ। तो वो बंदा अग्रीमेंट बनवाने लॉयर के पास गया, तो ये साइबर लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा, और साइबर लॉ प्रैक्टिशनर्स बहुत लिमिटेड है वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने एक बहुत प्रीमियम रेट डिमांड किया। मतलब उनको, साइबर प्रैक्टिशनर को ऐसा लगा कि ये बंदा भी प्रीमियम बंदा है तो क्यों नहीं डिमांड करूं। उन्होंने कुछ मिलियंस में अमाउंट कोट किया, कितना मिलियन लगेगा एक केस करने का, और केस हैज टू बी स्ट्रांग क्योंकि बहुत सारा लॉसेस हो रहा था। तो बंदे ने क्या किया, अगले दिन बोले ठीक है हम सोच के बताएंगे। अगले दिन जाके google.org जैसा एक डोमेन कहीं से जुगाड़ करा नेट से और खरीद लिया, और चुपचाप बैठा रहा। कुछ ही समय बाद गूगल से एक मेल आया कि आपने हमारा नाम के जैसा सिमिलर डोमेन लिया है, अगर आप इसे सरेंडर नहीं करेंगे तो ये देखिए लीगल नोटिस अटैच करके दिया हुआ है, तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे। उसी लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कराने का उसको मिलियन देना पड़ता था, गूगल से मिल गया। अब वो खाली सीए बुद्धि लगाया, नाम चेंज किया, मेरा मिलियन का काम google.org जैसा डोमेन खरीदने से ही, वो कुछ हजार डॉलर का था, लेके मेरा काम हो गया। फिर मैंने नाम रिप्लेस किया और उस वही केस उसके ऊपर कर दिया, google.org छोड़ दिया, मेरे को तो वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर्विस लेवल अग्रीमेंट ऐसे बनाते हैं। अब सही बात बताए तो इतने सारे सॉफ्टवेयर है दुनिया में, हम लोग हर जगह डाउनलोड करते तो आई अग्री एंड एक्सेप्ट, पढ़ते हैं क्या कोई बैठ के? पढ़ने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो होता क्या होगा, सब कॉपी पेस्ट ही होता होगा, कौन उसको रिव्यू करता होगा बैठ के? सर्विस लेवल अग्रीमेंट बनवाने का चार्ज शायद ये गूगल फूगल जैसी कंपनी देती होगी, हम लोग जैसे तो नहीं देते।
बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन अब बोलने का जरूरत तो कुछ नहीं है, बट फिर भी लिखने के लिए आपको कुछ शब्द चाहिए. इन्वेंटरी रिडक्शन नंबर वन, पर्सनल रिडक्शन नंबर टू, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नंबर थ्री, ऑर्डर मैनेजमेंट नंबर फोर, फाइनेंशियल साइकिल नंबर फाइव एंड एक्सेट्रा. देन बेटर कस्टमर सर्विस, स्टैंडर्डाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सप्लाई चेन अगर स्ट्रांग होगा तो ही आप ग्लोबलाइज हो पाओगे. केस स्टडी में मैंने सारा ही बता दिया आपको. ये एप्पल का केस स्टडी पूरा आपको वीडियो से ही दिखा दिया मैंने, और फिर उसके बाद वॉलमार्ट और प्रॉक्टर गैम्बल का भी बता दिया. नेक्स्ट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. ये एकदम सिंपल में डिस्कस कर लिया जाए अगर तो, गेन शेयरिंग, गेन इज प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट किसके साथ हो रहा है? आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ करते हो, यानी विथ सप्लायर्स या फिर विथ एम्प्लॉइज, विथ एम्प्लॉइज. एंड इट कैन बी ऑल्सो विथ योर कस्टमर्स. सर विथ कस्टमर कैसे होगा ये समझाइए. जैसे हम कस्टमर को कुछ बेचेंगे, आज उनसे पैसे नहीं लेंगे, उनको बोलेंगे आप उससे जो कमाओगे उसका आधा आधा, समझे? जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, चलिए आपसे फीस नहीं लेते, पास हो जाएंगे हाँ तो पहला 5 साल का सैलरी आधा आधा. आपसे फीस नहीं लेते, पहला 5 साल का सैलरी आधा आधा. चलिए नहीं नहीं फीस ले लीजिए आप. फीस ले लीजिए, खत्म करिए, रफा दफा होगा बात, ज्यादा खींचने का नहीं अपने को. ऐसे इंस्टेंस कलकत्ता में एक सर के साथ हुआ भी था. हम लोग जब पढ़ते थे तब का बात है, तो सर का फीस बहुत ज्यादा था. तो एक बच्चा गया, कई बार तो समझ में नहीं आता ना जेन्युइनिटी, तो पूरा रूप बना के गया कि सर बहुत प्रॉब्लम है, पढ़ना भी है, कैसे करे, एकदम पैसे देने का कोई जुगाड़ ही नहीं है. तो किसी तरह से जैसे तैसे सीढ़ी चढ़ के फाइनल तक पहुंचे. अब आप ही को नहीं आ पार लगानी है, बहुत इमोशनल डायलॉग सारी. तो सर ने बोला देखो हर दुनिया में हर चीज फ्री में तो नहीं आती है, किसी न किसी को कीमत तो अदा करनी होती है, आज नहीं तो कल. तो तुम एक काम करो, पढ़ो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें पूरा पढ़ाऊंगा, एक बार भी एहसास नहीं दिलाऊंगा कि तुमने फीस नहीं दिया, लेकिन तुम आज एक बॉन्ड साइन करो कि पहला सैलरी मेरा. मेरा पहला सैलरी तुम मुझे देके जाओगे जॉब लगने के बाद, पहला सैलरी मेरा. वो स्टूडेंट फिर मेरे पास है, सर आपको मालूम है इतना बड़ा आदमी कैसे बात किया मेरे से? ऐसा सोच हो सकता है सर किसी का? पहला सैलरी मेरा. आपको नहीं करना था फ्री तो आप ना बोल देते, लेकिन पहला सैलरी पे मेरा नजर क्यों डाला? और मुझे बाद में पता चला अगले दिन वो पूरे पैसे देके एडमिशन ले लिया, अगले दिन ही. समझ में नहीं आता है. तो इसीलिए मतलब वो यही होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. आपको डिसाइड करना होगा किसके साथ आप रख सकते हो नहीं रख सकते हो. सबसे बेस्ट वर्क करता है एम्प्लॉइज के साथ, डोंट यू थिंक? एम्प्लॉइज के साथ वो सबसे बेस्ट वर्क करेगा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. और बाकी के साथ वर्क करेगा नहीं करेगा, दैट यू हैव टू डिजाइन द मैकेनिज्म, हैज टू बी डिजाइंड प्रॉपरली whether they'll agree or not, but it definitely works with your supply employees. It works always with shareholders, investors ke sath to ye hamesha hi work karta hai. It can work with your debt providers also. Debt may be, you know, there is something called as participating debentures. Aapne suna hai naam? Jisme debenture walo ko debenture interest ke baad profit ka bhi kuch share diya jata hai. ओके वैसे इसमें बहुत छोटा सा पैराग्राफ यहां पे दिया हुआ है, और इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि इस पे लोग थोड़ा सा ऐड करेगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा.
जो बोर्ड ऑफ स्टडीज से लास्ट अपडेट आया है, वो लोग बोल रहा है इसमें क्या ऐड करेगा, वे क्वेश्चन बना के डालेगा कि क्या करेगा मालूम नहीं. अभी इसमें जो पैरा है वो सप्लायर साइड से बताया जा रहा है. और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक थाईलैंड में, चियांग चियांग एक शहर है थाईलैंड में, उसको लेके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने अपने सप्लायर के साथ कैसे गेन शेयरिंग सजाया. सप्लायर विल डिलीवर 3% मिनिमम कॉस्ट सेविंग्स ऑन कंट्रोलेबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट. मतलब सप्लायर को एश्योर कराना होगा कि 3% से कॉस्ट कम हो रहा है, तो जो भी सेविंग्स जनरेट होगा फर्स्ट ईयर में वो सप्लायर का, फिर सेविंग्स जनरेटेड इन सेकेंड ईयर विल बी शेयर्ड बिटवीन चियांग एंड सप्लायर इन 40-60, एंड फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी पास्ड अलोंग टू चियांग. मतलब इस तरह से अग्रीमेंट सोचा गया है ना. आउटसोर्सिंग मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये तो मेरे को सिखाना ही नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. मेक और बाय के तरह ही डिसीजन लिया जाता है, इसके तो सम्स वम्स भी आपने किए हुए. आउटसोर्सिंग में ऐसा नहीं कि पूरा प्रोडक्ट ही बाहर से बनवाना, आप पार्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बाहर से बनवा सकते हो. बिजनेस का कोई भी एक फंक्शन को उठा के आउटसोर्स कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि पूरा बिजनेस आउटसोर्स पे चलाना है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लेंगे, सिंपल है. मतलब ये आप अपने से भी 10 मिनट सोच के लिखोगे तो आंसर्स निकल जाएंगे. कॉस्ट सेविंग्स क्या होगा, टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिल सकता है तो नुकसान भी हो सकता है. ये सब क्लास नोट्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग चैप्टर आप देखोगे तो सब मिल जाएगा. सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 2. ओके, सो लेट्स हैव अ ब्रेक एंड देन विल डू द नेक्स्ट पार्ट.